हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी ऑफ मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट की आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी देखेंगे। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी देखने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है म्यू निकालते हैं हम, तो म्यू इक्वल टू 1/2πc, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, के अपॉन म्यू। तो यहाँ पर आपको पता है जो सी होती है, सी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10^10 m/s। ठीक है, ये होती है 10^10 m/s। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है यहां पर k इक्वल टू क्या है, k जो है वो है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट होता है, और म्यू जो है वो है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस मास कैसे निकालते हैं हम, अगर म्यू की बात करें तो म्यू इक्वल टू क्या है, m1 × m2 / m1 + m2। तो ये क्या है, रिड्यूस मास है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सब आपने पहले भी ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंपली, अगर हम बात करें इसमें अगर हम फॉर्मूले से देखें तो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अगर इस फॉर्मूले से निकाले 1/2πc √k/μ, तो हम बोल सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो सिंपली अगर बोलें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/μ के। ठीक है, √μ के। तो क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अगर आईआर फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अगर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। मास डिक्रीज होने पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। या इससे हम ये भी बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए कि जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बराबर होता है किसके, के। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, के, और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, म्यू के। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा। फोर्स कांस्टेंट बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्ट्रेंथ अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, तो उसकी वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो सिंपली आपको समझना है, बॉन्ड अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जहां पर बैक पाई बॉन्डिंग होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर दो चीजें होती है कि अगर मेटल और कार्बन जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ या तो इंक्रीज होगी या फिर क्या होता है दूसरा कि CO की स्ट्रेंथ इंक्रीज या होगी या फिर क्या होगी, वीक होगी। तो इसमें क्या हम देखेंगे, देखिए मेटल और कार्बन की भी अगर बॉन्ड क्या हो रहा है, हमें सिंपली क्या करना है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी ऑफ मेटल कार्बोनिल, तो मेटल कार्बोनिल के बॉन्ड को देखना है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि जो उसके सिग्नल आएगा वो ज्यादा इंटेंस होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमें सीओ को देखना है, जहां पर सीओ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और सीओ की स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी, सीओ की स्ट्रेंथ तब बढ़ेगी जब उसमें लेस बैक पाई बॉन्डिंग होगी, यानी कि अगर मोर बैक पाई बॉन्डिंग है तो मेटल और कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट अगर वहां पर बैक पाई बॉन्डिंग कम है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि वो बॉन्ड शॉर्ट होगा और उसका वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग होने से क्या होगा, वहां पर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम सिंपली बात करें वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के लिए तो हम लिख सकते हैं, अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड सी की, उसके बाद अगर बात करें सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन की, और उसके बाद बात करें इनमें अगर बॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो यहां से यहां जाने पर क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, अगर इधर की यहाँ जाने पे क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इसकी की। अगर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो कार्बीन की, सॉरी एल्कीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, उससे ज्यादा किसकी होती है, एल्काइन की। तो एल्काइन की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एल्कीन से, और एल्कीन की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होती है, एल्केन से ज्यादा होती है। तो ये था वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अगर हम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकालिए, हमें सिंपल क्या निकालना है कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो होगा, अगर वो स्ट्रांग होगा, वो स्ट्रांग कब होगा, वो जब होगा जब बैक, जब क्या होगा, बैक पाई बॉन्डिंग,
बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब बैक पाई बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो ये स्ट्रांग होगा। अगर ये स्ट्रांग होगा तो जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो वो बढ़ेगी। ठीक है, अगर बैक पाई बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर सीओ बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, वीक होगा, तो वहां क्या होती है, बैक पाई बॉन्डिंग जहां ज्यादा होती है, बैक पाई बॉन्डिंग जहां ज्यादा होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर वीक, वहां पर जो सीओ बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, और वीक होने से क्या होगा, जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो जहां पर बॉन्ड स्ट्रांग होगा वहां वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। यहां बोल सकते हैं बैक पाई बॉन्डिंग जहां डिक्रीज होगी वहां पर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, और जहां पर बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां पर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी कम होगी, और जहां पर बैक पाई बॉन्डिंग कम होगी वहां पर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ वैल्यूज हैं वो लर्न करनी होगी। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें सीओ की, अगर हम सीओ लिगेंड जो है, कार्बोनिल लिगेंड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड जो है, वो क्या है, फ्री स्टेट में। तो फ्री स्टेट में क्या हो सकता है, या तो वो ग्राउंड स्टेट में हो या फिर वो एक्साइटेड स्टेट में हो। फ्री का मतलब यह है कि वो किसी भी मेटल से बाउंड ना किया हो, फ्री स्टेट में हो, किसी भी मेटल से जुड़ा हुआ ना हो, बाउंडिंग ना की हो। तो क्या करते हैं, देखिए अभी अगर हम बात करें सीओ की, तो सीओ का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है तो उसमें पता है जो सीओ का होमो होता है वो क्या होता है, वो साइलेंटली एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर का होता है, यानी कि उसमें जो लिगेंड होता है वो एंटी बॉन्डिंग में होता है। ठीक है, तो उस लिगेंड को अगर हम सिंपल ग्राउंड स्टेट की बात करें तो उसमें क्या होता है, सिंपल जो स्टेट होती है, अगर हमारे हम बात करें सिग्मा की और या पाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ये पार्शियली क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है इसमें। तो इसमें अगर लिगेंड है तो उसमें क्या होगा, तो ग्राउंड स्टेट में उसकी जो वैल्यू होती है वो 200/143 होता है। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। अगर हम बात करें एक्साइटेड स्टेट की, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर अगर पाई में चला जाए, एक्साइटेड अगर ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड होकर किसमें चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो कहा जा रहा है जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, और एंटी बॉन्डिंग में जाने से क्या होता है कि कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में एंटर कर जाता है तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करने से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करने से उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और स्ट्रेंथ वीक होने से क्या हो रहा है कि फ्रिक्वेंसी वीक हो रही है। फ्रिक्वेंसी सिंपली डिपेंड किस पे कर रही है, सीओ की लेंथ पे, सीओ की स्ट्रेंथ पे। तो सीओ की स्ट्रेंथ कब होगी, देखिए बॉन्ड ऑर्डर का आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर लिखते हैं, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसको सिंपली हम कैसे लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहां पर क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या होता है कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इनडायरेक्टली बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या, बॉन्ड ऑर्डर का एक और भी हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर घटने से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटने से सिंपली चीज है, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड की वो कम हो रही है, बॉन्ड लेंथ जो है कम हो रही है। अगर बॉन्ड की लेंथ कम होगी, सीओ बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो इसका मतलब वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। कब होगा, जब ये लेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर शॉर्ट होगी, अगर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी, तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज अगर हो जाएगा तो उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपली क्या है कि जब
इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटीबॉन्डिंग में पहुंच जाएगा। एंटीबॉन्डिंग में पहुंचने से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है। एंटीबॉन्डिंग में जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने से क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो लेंथ इंक्रीज होने से क्या हो जाता है कि वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी क्या है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए इसमें क्या हो रहा है कि जब ग्राउंड स्टेट में था सीओ, म्यूसियो निकाला था तो वो होता था 2143, और लेकिन जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए उसका जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो हो जाएगा 1478 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम बात करें सीओ पॉजिटिव की तो सीओ पॉजिटिव में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, अभी जैसे हमने देखा था कि जो सीओ कल्केट होता है या फिर इस कार्बन मोनोऑक्साइड में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करना है, तो हमने देखा है कि जब कार्बोनिल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ते हैं, जो उसका इलेक्ट्रॉन होता है वो साइलेंटली क्या होता है, एंटीबॉन्डिंग में होता है। तो एंटीबॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव होगा तो उससे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने से क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी क्या होगी वो इंक्रीज होगी। तो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो यहाँ पर इसलिए इसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी भी कितनी आ गई, 2164 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें सिंपल की, तो अगर मेटल जो है यहाँ पर जो सीओ लिगेंड था वो कौन सी फॉर्म में था, फ्री में था। ग्राउंड स्टेट में 2143 सेंटीमीटर, एक्साइटेड स्टेट में 1478 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और सीओ पॉजिटिव केस में कितना हो जाता है, 2164 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। अगर मेटल की बात करें, अगर सीओ एक मेटल से अटैच है यानी कि टर्मिनल है, तो म्यू सीओ टर्मिनल के लिए कितना होगा, 2120 से लेकर 1850 सेंटीमीटर इनवर्स तक होगा। अगर हम बात करें म्यू टू सीओ की, तो सीओ फ्रिक्वेंसी क्या होगी, अगर वो ब्रिजिंग पोजीशन पे है, दो मेटल के साथ ब्रिजिंग पोजीशन पे है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 1860 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर सीओ क्या है, म्यू थ्री यानी कि तीन मेटल से अगर सीओ जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब कि म्यू सीओ की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 730 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स तक होगी। अगर बात करें मेटल के साथ, देखिये ये है COCS3, SI ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ये म्यू नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई मेटल नहीं है, यहाँ पर ये CS3 एक ही ग्रुप है जो किससे जुड़ा हुआ है, मेटल से। तो अगर SI ग्रुप है तो उसकी म्यू CO जो होगी वो होगी 1650 से लेकर 1720 सेंटीमीटर इनवर्स तक होगी। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपको याद करनी होगी। किसी भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया जाएगा, उसमें बोलेंगे कि कितना टर्मिनल है, इतनी इतनी पीक्स आ रही हैं या इतने इतने सिग्नल मिल रहे हैं, तो 1750 आ रहा है, और एक में बोल दिया 1850 आ रहा है, या फिर 2120 से लेकर 1850 के बीच में कोई रेंज दे रही है, उसके बाद 1730 से 1600 के बीच में कोई रेंज दे रही है, और पूछ लिया कि इसमें कितने म्यू टू सी यू है या म्यू वन है या टर्मिनल सी यू है, तो वो आपको पता लगेगा इन वैल्यूज से। तो आपको ये पहले ही वैल्यूज याद करनी होगी, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो वैल्यूज आपको याद करनी होगी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उन क्वेश्चन में हमें सिंपली बताना है कि जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो किसकी ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट कंपाउंड की, तो फर्स्ट कंपाउंड कौन से हैं, इसमें हमें सिंपली बताना है कि वाइब्रेशन जो फ्रिक्वेंसी है वो किसकी ज्यादा होगी। अगर हम बात करें MnCO, अगर हम बात करें MnCO6 पॉजिटिव की, उसके बाद CrCO6 और उसके बाद वैनेडियम CO6 नेगेटिव की। तो इसमें हमें सिंपली बताएं ये सभी क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने पे ये पहले भी सॉल्व किया था, Mn पे +1 चार्ज है, उसके बाद क्रोमियम पे 0 चार्ज है, और उसके बाद कितना चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है। तो हमें बताए नेगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, इधर से इधर जाने पे बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो रही है, बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होने से वाइब्रेशन जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जो यहाँ पर है M मेटल और कार्बन बॉन्ड जो स्ट्रांग हो रहा है वो स्ट्रांग हो रहा है इधर से इधर जाने पे, और जो मेटल
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। अगर बॉन्ड वीक हो रहा है उसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये तो हो गया थर्ड। अगर हम बात करें इस वाले इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस की, तो इसमें क्या है, टाइटेनियम की अगर बात करें तो जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम CO6 2 नेगेटिव है। उसके बाद है सेकेंड जो है वो है क्रोमियम CO6। ये सिंपल इसी पोजिशन में, यानी कि ये -2 पोजिशन में है चार्ज है इसका, इसका चार्ज कितना है, जीरो है। क्रोमियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। थर्ड क्या है, इरिडियम CO6 3 पॉजिटिव की अगर बात करें तो इसमें इरिडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑस्मियम CO6 ये किसमें है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसके अलावा अगर बात करें वेनेडियम की, तो वेनेडियम क्या है, CO6 ये है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसको सिंपली हमें अरेंज करना है किसमें, अगर इसको बने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये क्या है फिफ्थ को अरेंज करना है हमें वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें पता है जिसमें बैक पाई बॉन्डिंग कम होगी, बैक पाई बॉन्डिंग कहाँ कम होगी, जहां पर मेटल पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि थर्ड में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो थर्ड की बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगी, सबसे कम होगी, यानी कि फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद +2 में, फिर उसके बाद होगी जीरो में, जीरो यानी कि सेकेंड, उसके बाद किसमें -1, उसके बाद फिफ्थ, और उसके बाद क्या होगा, सबसे लास्ट फर्स्ट होगा जिसमें -2 है। ठीक है, तो ये किस चीज का ऑर्डर है, ये है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑर्डर। ठीक है, ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट वाले टॉपिक की, तो लास्ट वाले में क्या है, उसमें सिंपली हमें देखना है कि सिग्मा डोनर लिगेंड है या पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो सिग्मा डोनर जो लिगेंड है उसमें क्या होगा, बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो देखिए NMN3 यहाँ पर लिखा हुआ है, NMN3 का मतलब क्या है, इसमें बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब इसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। उसके बाद अगर बात करें PME3, OPS3 और PCL3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसमें बैक पाई बॉन्डिंग सबसे कम होगी, यानी कि फोर्थ जो होगी इसमें सबसे कम होगी। अगर बैक पाई बॉन्डिंग कम है तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद अगर बात करें OPS3 और PME3 में, तो PME3 क्या होता है, सिग्मा डोनर होता है और पाई एक्सेप्टर वीक होता है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है। तो ये आएगा सेकंड यहाँ पर, और उसके बाद अगर बात करें OPS3 तो ये थर्ड आएगा यहाँ पर। तो ये किस चीज का ऑर्डर है, ये है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। ठीक है, ये इस तरह से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इसके बाद इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें, अगर वेस्का कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए पूछा है कि जो म्यू सीओ है वो किसकी ज्यादा है। अगर इसमें बात करें यहाँ पर कौन कौन से लिगेंड है, सबसे पहले यहाँ देखनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर जो इरिडियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं H2, यानी कि ऑक्सीडेटिव कंडीशन है, जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, और उसके बाद जब इसका ऑक्सीडेशन एडिशन करा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन एडिशन कराने पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, यहाँ पर H, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, वो निकाल लेते हैं कितनी होगी, PPH 3। तो 1, 2, 3, तो +3 हो जाएगी। और +3 का मतलब क्या है, ये अगर प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 ऑक्सीडेशन का मतलब है इसमें बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो हम लिखेंगे कि वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोडक्ट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की, यानी कि म्यू सीओ जो है वो प्रोडक्ट का ज्यादा है, किससे कंपेरिजन में, रिएक्टेंट में। तो म्यू सीओ जो है वो प्रोडक्ट का कम है, रिएक्टेंट का ज्यादा है। तो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था एग्जाम में। तो इसमें क्या है, रिएक्टेंट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो प्रोडक्ट की है या म्यूसियो प्रोडक्ट का ज्यादा है, म्यूसियो रिएक्टेंट की तुलना में। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, इसमें बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो नेट में पूछा गया था, उसमें सिंपली आपको बताना है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा होगी। तो जैसे हमने पढ़ा है अमोनिया जो है NH3 NME3 और उसके बाद N पायरेडिन, ठीक है, उसके बाद ये था पायरेडिन।
ठीक है, रीडिंग लिखा हुआ था। तो इसमें आपको बतानी थी कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी किसकी ज्यादा है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के कंपाउंड जो होते हैं वो ओनली सिग्मा डोनर होते हैं। सिग्मा डोनर का मतलब हुआ कि उनमें वैक पाई बॉन्डिंग बहुत होती है, लेकिन देखेंगे सिग्मा डोनर एबिलिटी किसमें ज्यादा है। तो सिग्मा डोनर एबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, सिग्मा डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी NMe3 में, उसके से कम किसमें होगी NMe NH3 में, और सबसे कम किसमें होगी पायरिडीन में। इसका मतलब ये जो ऑर्डर है वो सिग्मा डोनर एबिलिटी का है। अगर हम बात करें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की तो उसकी सबसे ज्यादा किसकी सबसे ज्यादा होगी, पायरिडीन की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद NH3, उसके बाद NMe3 की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें। अगर ये लिगेंड किसमें प्रेजेंट है, कार्बोनिल के साथ प्रेजेंट है, तो आपको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का इस तरह से ऑर्डर निकालना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। तो जितने भी क्वेश्चंस बन रह सकते थे वो सब हमने आप बता दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और जो मेटल कार्बोनिल्स के मेटल कार्बोनिल बनते हैं या फिर उसके NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर फॉस्फोरस या फिर HNMR, NMR और PNMR जितने भी बनते हैं क्वेश्चंस बनते हैं उनसे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।